तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको भी ये लड़की मनोज देख लगती है और ये लड़की मनोज दे के पास क्यों गई थी। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ये लड़की मनोज दे के पास क्यों गई थी, इसका क्या कारण था, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और इससे पहले अनिटेक के चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लड़की का एक ब्लॉग चैनल है और उस चैनल का नाम कविता सोनी है, और कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और ये वीडियो वैक्सीन से रिलेटेड था। तो अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर कुछ ऐसा चीज बताया था जिससे YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होता हो, और उसके बाद उसके चैनल पर वार्निंग भी आ गया। और ये लड़की खुद अपने वीडियो पर इसी के बारे में बताई है और अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर कुछ ऐसा चीज बताई थी जिससे उसके चैनल पर एक वार्निंग आ गया, और उसके बाद अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल को भी बाद में चेंज किया है। और मनोज दे के पास जाने का एक ही कारण था, क्योंकि उसके चैनल पर वार्निंग आ गया था। फिर मनोज दे बताया कि उसके चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आ गया है और उसके चैनल से उस वार्निंग को हटाने के लिए अपील भी किया है मनोज दे। अगर उसके चैनल से ये वार्निंग हट भी जाए तो अच्छा है, नहीं हटेगा तो भी अच्छा है, इस वार्निंग से उसके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा उस वार्निंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जब आपके चैनल पर पहली बार या फर्स्ट बार आपके चैनल पर वार्निंग आता है तो आपके चैनल पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपके चैनल के साथ क्या होता है, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जब आप अपने चैनल पर पहली बार या फर्स्ट बार YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हो तो आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं दिया जाता है, आपको माफ़ कर दिया जाता है, आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं दिया जाता है, आपके चैनल को माफ़ कर दिया जाता है। क्योंकि YouTube के अनुसार गलती किसी से भी हो सकती है फर्स्ट बार, इसीलिए पहली गलती पर स्ट्राइक ना देकर वार्निंग दिया जाता है आपके चैनल पर, और इस वार्निंग से आपके चैनल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वार्निंग आपके चैनल से कभी भी नहीं हटता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताया हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स।